नमस्कार दोस्तों टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉडल क्या होते हैं और मॉडल को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट ए एस पी डोट नट कोर के अंदर अगर आप लोग बना रहे हैं तो उसे आप लोग अच्छी तरीके से बनाएं और एक आ, अच्छा जो आ, प्रोजेक्ट है आज एक आप लोग एक अच्छा जो है डिमोन्स्ट्रेशन जो है यह हम लोग कहें प्रोजेक्ट का जो स्कलठन है जो ढांचा है वो तैयार सही करें इसके लिए आप लोगों को मॉडल को जो कैटेगराइज किया गया है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि मॉडल को मॉडल क्या होता है पहले तो ये बात आती है सामने मॉडल जो है वो एक प्रकार का क्या होता है ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जैसे कि पर्सन है तो एक मॉडल है प्रोडक्ट है तो वो एक मॉडल है और ये डाटा का कलेक्शन कैसे है जैसे कि प्रोडक्ट की आईडी होगी प्रोडक्ट का टाइटल होगा प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन होगा तो ये सभी डाटा का डाटा है हमारे और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि ब्रश भी एक ऑब्जेक्ट है टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है तो इन सभी ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वो एक मॉडल है और मॉडल को तीन कैटेगरीज में एस पी रोटनेट कोर एम के अंदर डिवाइड किया गया है जैसे कि सबसे पहला है डोमेन मॉडल दूसरा है व्यू मॉडल और तीसरा है एडिट मॉडल अगर हम लोग uh, बात करते हैं किसकी डोमेन मॉडल की तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो डोमेन मॉडल है वो एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को अगर वो और हमेशा डोमेन मॉडल के अंदर आप लोग यूजुअली देखेंगे कि वन टू वन रिलेशनशिप आप लोगों के टेबल के बीच में होती है डोमेन मॉडल के अंदर और डोमेन मॉडल जो है वो आप लोगों का डाटा एक्सेस लेयर का एक पार्ट है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा डाटा एक्सेस लेयर एक्चुअली में क्या होती है आप लोग कह सकते हैं हमारी जो डाटा टेबल होती है वो हमारा डोमेन मॉडल होता है जैसे कि अगर प्रोडक्ट की टेबल है तो वो डोमेन मॉडल है अगर हम लोग कैटेगरीज की टेबल बनाते हैं तो वो डोमेन मॉडल है ठीक है तो ये एक प्रकार का डोमेन मॉडल है हमारा अब बात करते हैं हम लोग जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट टेबल के साथ जिसमें प्रोडक्ट आईडी है नेम है ब्रांड आईडी है सप्लायर आईडी है विभिन्न प्रकार की आईडीज़ हैं वो हमारे सारे के सारे क्या है डोमेन मॉडल है अब बात आती है कि हम लोगों को जरूरत क्यों पड़ी व्यू मॉडल की व्यू मॉडल एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज का यानी कि अगर आ, सपोज दैट हम लोगों ने मॉडल में क्या लिया एक प्रोडक्ट लिया प्रोडक्ट में हम लोगों ने क्या लिया प्रोडक्ट में हम लोगों ने प्रोडक्ट की आईडी ली प्रोडक्ट का टाइटल लिया प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिया और प्रोडक्ट की इमेज ली ठीक है तो हम लोग प्रोडक्ट की इमेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्रोडक्ट की इमेज में हम लोग जो डाटा टाइप यूज लेंगे वो स्ट्रिंग टाइप लेंगे क्योंकि उसकी का यू जो होगा प्रोडक्ट की इमेज का जो यू होगा वो डाटा में सेव होगा ना कि प्रोडक्ट की इमेज सेव होगी डाटा में प्रोडक्ट का इमेज का यू जो है जहां से हम लोगों ने पिक किया है या जहां पर इमेज रखी जाएगी उसका यू हम लोग डाटाबेस में सेव करेंगे तो जो प्रोडक्ट टेबल है एक्चुअली में उसका क्या होगा उसका आई इंटीजर होगा या हम लोग स्ट्रिंग uh, टाइप भी बना सकते हैं टाइटल होगा वो भी स्ट्रिंग टाइप में होगा डिस्क्रिप्शन होगा वो भी स्ट्रिंग टाइप में होगा और जो इमेज यू होगा वो भी स्ट्रिंग टाइप में होगा ठीक है अब व्यू मॉडल आता है व्यू मॉडल कैसे रिप्रेजेंट करेगा व्यू मॉडल को हम लोगों को दिखाना है अब क्या होगा जैसे कि इससे पहले मैं व्यू मॉडल से पहले एडिट मॉडल बताता हूँ एडिट मॉडल में आप लोग क्या करेंगे एडिट मॉडल में आप लोगों को आईडी चाहिए आप लोगों को टाइटल चाहिए डिस्क्रिप्शन चाहिए सभी स्ट्रिंग टाइप होंगे लेकिन जब आप लोगों को कोई भी इमेज को पिक करना है तो आप लोग क्या करेंगे उसके लिए क्लिक करेंगे ब्राउज बटन पर जो टेक्स्ट बॉक्स आप लोगों के सामने होगा ब्राउज का फाइल वाला जो इनपुट टैग होगा उस फाइल इनपुट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसका व्यू मॉडल किस हिसाब से बनेगा अब लोगों को चलो आईडी चाहिए व्यू मॉडल में वैसे क्रिएट के अंदर आईडी नहीं चाहिए होती आईडी नहीं चाहिए होती तो हम लोगों को क्या चाहिए टाइटल चाहिए डिस्क्रिप्शन चाहिए और इमेज चाहिए इमेज के अंदर हम लोगों ने मॉडल के अंदर क्या है डोमेन मॉडल के अंदर क्या यूज माल में लिया है स्ट्रिंग लेकिन यहां पर हम लोग एडिट मॉडल में क्या काम में लेंगे हम लोग लेंगे आई फॉर्म फाइल तो ये एडिट मॉडल है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं व्यू मॉडल की व्यू मॉडल क्या होता है व्यू मॉडल होता है दोस्तों कि हम लोगों को कोलेब्रेशन करना होता है कई चीजों का जैसे कि हम लोगों को कॉम्प्लेक्सिटीज को रिड्यूस करना होता है डिफरेंट मॉडल्स के बीच में तो हम लोग व्यू मॉडल्स काम में ले लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल प्रोडक्ट uh, और कैटेगरीज़ हम लोगों को शो करनी है एक ही पेज के ऊपर तो प्रोडक्ट एक नई प्रोडक्ट uh, एक अलग से डोमेन मॉडल है कैटेगरी एक अलग से डोमेन मॉडल है लेकिन हम लोगों को शो एक ही पेज पे करनी है तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग लेंगे उसके लिए व्यू मॉडल मॉडल का जितना भी प्रोडक्ट हम लोगों को शो करना है वो हम लोग ले ले लेंगे और कैटेगरी का जितना पार्ट हम लोगों को शो करना है वो हम लोग डोमेन उसमें व्यू मॉडल में हम लोग ले लेंगे उसके बाद में हम लोग उसको एक्सेस कर लेंगे तो ये व्यू मॉडल है व्यू मॉडल भी एक प्रकार से रिप्रेजेंट करता है सिर्फ डोमेन मॉडल डाटा एक्सेस लेयर यानी कि डाटा का पार्ट है और जो हमारा मेन पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एडिट मॉडल वो हम लोग जैसे इंसर्ट और डिलीट और इनके लिए हम लोग काम में लेते हैं तो ये तीन प्रकार से होते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इन सभी तीनों के एग्जाम्पल्स मॉडल क्या होते हैं कैसे इस्तेमाल में लेते हैं व्यू मॉडल क्या होते हैं और एडिट मॉडल क्या होते हैं इन तीनों को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल का आप लोग जरूर वेट कीजिए ये सिर्फ आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन था मॉडल का एडिट मॉडल का और व्यू मॉडल का धन्यवाद